दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम महेश कुमार बर्णवाल की NCERT सार संग्रह लेके आए हैं, जिसमें से हमने इससे पहले वीडियो में महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जानकारियाँ ले ली हैं। हम आगे चलते हैं, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी लेते हैं। देखते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। ठीक, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, आगे चलते हैं कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है, वह है रोलेट एक्ट। ठीक, आगे चलते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया, वह कौन थे, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, वो कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद जी। आगे चलते हैं, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था, वह था रोलेट एक्ट। ठीक, आगे चलते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वह था रोलेट एक्ट का पारित होना। ठीक, आगे चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट उपाधि को वापस लौटा दिया था, वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं कि रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कौन से दिन, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्या कांड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वह दिन 13 अप्रैल 1919 था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, वो थे कौन, के शंकरन नायर। कौन, के शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया, वह था हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था, वो थे ऊधम सिंह। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया, वह कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ठीक, हम देखते हैं 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1909 में क्या हुआ,
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। आगे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान 1929। ठीक, 1935 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्तों को तय किया गया। ठीक, 1942 और 1946 में यही मांग दोनों थी। आगे चलते हैं, 1947 में क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। ठीक, नोट में हम देख लेते हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दी थी। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।